Hello student, now we are starting question number 9 of exercise 3.3. question number 9 में हमें क्या प्रूफ करना है? cos 3 pi by 2 plus x cos 2 pi plus x is equals to cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x equals to 1 प्रूफ करना है. हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इस क्वेश्चन की, क्लियर? उसमें क्या दिया हुआ है, अब आपको cos 3 pi by 2 plus x, 3 pi by 2 उधर 270, ओके 270 प्लस x है cos में, cos में 270 प्लस x, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, प्लस का होता है, तो cos प्लस में आएगा बट रेशियो चेंज हो जाएगा क्योंकि 270 का केस है, तो ये बनेगा प्लस का sin x. क्या बन जाएगा? प्लस sin x. अब इस पे आते हैं, cos 2 pi plus x, ये हो गया 2 pi का मतलब हो गया 360, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव होते हैं, तो उस केस के हिसाब से ये भी cos ही पॉजिटिव हो गया, रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 pi यानी 360 का केस है, 180 और 360 के केस में रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा आपका cos x. क्लियर? नाउ cot 3 pi by 2 minus x, अभी आ गया 270 minus theta, तो 270 माइनस थीटा का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट तो प्लस का रहेगा, तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में. 270 का केस है, तो 90 to 270 में रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो प्लस का 10x आ गया. क्लियर? उसके बाद है कॉट 2 पाई प्लस x, 2 पाई प्लस x फिर से आ गया 360 प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं सब, तो बन जाएगा आपका प्लस का कॉट x बनेगा. क्यों? क्योंकि 360 का केस है, रेशियो चेंज नहीं होगा. क्लियर? ये बन गया साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज. टेन एक्स को क्वोशेंट रूल के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं हम इसे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में, इसको भी ऐसे ही कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में ब्रेक कर सकते हैं. क्लियर? उसके बाद बना आपके पास ये साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज, यहाँ एलसीएम आ गया आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स, cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा sin x, इस sin x की मल्टीप्लाई इस sin x से होगी तो sin स्क्वायर x बन जाएगा, प्लस ऐसे ही sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया, अब क्या रहेगा आपके पास cos x, इसकी मल्टीप्लाई cos x से करेंगे तो cos स्क्वायर x, इस वाले टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, दैट इज RHS. इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 10, साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स कॉस एन प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू, प्रूव करना है कॉस एक्स, ए कॉस एक्स के इक्वल है, प्रूव करना है. तो हमने एलएचएस ले ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर? बट हमने फॉर्मूला जो पढ़ रखा है इसके अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है आपको कुछ, ये साइन एक्स साइन वाई, ये कॉस एक्स कॉस वाई, तो हमने फॉर्मूला जो पढ़ाया वो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई का पढ़ाया है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले टर्म को पहले लिखना पड़ेगा, उसको बाद में लिखेंगे. क्लियर? तो इसको हम पहले लिखते हैं और वो भी बड़ा एंगल पहले लिखेंगे, बड़ा एंगल है, इसको पहले लिखेंगे cos n plus 2 into x और cos n plus 1 into x plus, ऐसे इसमें लिखेंगे बड़े एंगल को पहले, sin n plus 2 into x और sin n plus 1 into x. क्लियर? अभी हमारे पास फॉर्मूला बन गया cos x cos y plus sin x sin y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x minus y, प्लस का साइन है तो माइनस से बनता है, आपने लर्न किया होगा. क्लियर? इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, अभी cos x के प्लेस में क्या है n plus 2 into x minus, और y के प्लेस में क्या है n plus 1 into x, तो यहाँ क्या n plus 1 into x, इसको ओपन कर लेंगे फिर cos nx plus 2x minus nx minus x, इससे कैंसिल आउट हो गए, 2x में से जाएगा क्या बचेगा आपके पास cos x, ये हो गई RHS. इस तरीके से आप प्रूफ कर लेंगे इस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट,